एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि पेट्रोल का रेट भी आज आसमान छू रहा है, उसके लिए विपक्ष कुछ कोई एक्टिविटी? जय हिंद, मैं हूँ मृत्युंजय मिश्रा, आप देख रहे हैं बाण भट्ट टाइम्स। आज मैं बात करूंगा कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर कमलेश्वर पटेल की। आप सब जानते हैं कि पूरा देश लॉकडाउन से जूझ रहा है। हम आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री कमलेश्वर पटेल कल 30 तारीख को आए थे धरना देने सीधी कलेक्ट्रेट में, धरना दिए भी अपने समर्थकों के साथ भीड़ लेके। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन में मंत्री जी आज ये पूछने आए हैं बीजेपी सरकार से, गवर्नमेंट से, कि कितनी मृत्यु हुई है। आप सही आंकड़ा नहीं दे रहे हो, लेकिन आपने कभी उनको क्षेत्र में कोरोना के दौरान आपने देखा कि आए हो कि आप कोरोना की दवाई सही नहीं कर रहे हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन सबको लगना चाहिए, कभी आपने देखा? नहीं देखा होगा। हम आपको बता दें कि ऐसे ही मंत्री अपना नेतागिरी चमकाने के लिए कैबिनेट मंत्री जी सीधी आए, और आप देख सकते हैं वीडियो में कि कैसे वो भीड़ इकट्ठा है उनके इर्द गिर्द चारों तरफ, लेकिन शासन प्रशासन चुप है, मौन है, प्रशासन उनके पीछे लगा हुआ है। लेकिन एक आम आदमी अगर मार्केट जाता है सब्जी लेने, तो उसे नहीं जाने दिया जाता कि हम आपको सब्जी घर में पहुंचवाएंगे। एक आम आदमी घर में भूखा मरता है, इसकी परवाह मिनिस्टर साहब को नहीं है। लेकिन कोरोना का आंकड़ा, बिजली का बिल, इन सब का परवाह बहुत है मंत्री जी को, है कि कोरोना से कितने लोगों की मृत्यु हुई है इसका सही आंकड़ा नहीं बताया जा रहा है। कुछ बिजली के मुद्दे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं पटेल जी से, माननीय पूर्व मंत्री जी से, कि जब पेट्रोल आज इतने महीने हो गए बढ़े हुए, तो विपक्ष पेट्रोल के लिए तो कोई भी कांग्रेस का नेता, वरिष्ठ नेता धरना प्रदर्शन नहीं बैठा। लेकिन आज इस लॉकडाउन का व्यवस्था देखिए आप, कि इन नेताओं को कैसे छूट मिल जाती है सब कुछ करने के लिए, लेकिन किसी आम आदमी को वो छूट नहीं मिलती। चाहे उसके घर में दाना हो खाने के लिए, सब्जी हो खाने के लिए, कोई मतलब नहीं रहता, वो घर में बंद है, भूखा मर जाए, कोई देखने वाला नहीं है। जबकि इन्हीं जनता के वोटों से चुन कर ये जाते हैं, और जब जीत के आते हैं तो ये लगता है कि ये जनता इन जैसे मंत्रियों की गुलाम है। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या कहते हैं पूर्व मंत्री चलते चलते पटेल जी, चलते चलते आप आए हुए हैं, तो क्या मुद्दा था? बिजली कटौती, खाद्यान्न वितरण में धांधली, कोरोना संक्रमण में अव्यवस्था, बिल्कुल वैक्सीनेशन नहीं हो पाना, बिल्कुल आपका जो मौत के आंकड़े छुपाने जी, जी। सर एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि पेट्रोल का रेट भी आज आसमान छू रहा है, उसके लिए विपक्ष कुछ कोई एक्टिविटी? जी बिल्कुल बिल्कुल, महंगाई के विरोध में बिल्कुल बिल्कुल।